अभी मैंने कहाँ पढ़ाया है? इनडिफरेंस कर्व आएगा, इनडिफरेंस कर्व आगे, वेट। मैं कूद के कैसे पढ़ाऊंगा? जो एक सिरेटम होता है उसी सिरेटम में ना पढ़ाऊं? चलिए ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये वाला लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न को ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट बोलते हैं। इसमें किसी को डाउट? अब किसी का डाउट रह गया? सबका डाउट क्लियर हुआ इस क्वेश्चन से, इस एग्जाम्पल से? सर एक बार रिपीट करना सर प्लीज, मैं अभी आया हूँ सर। ओके ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, प्लीज। बट कोई माइक ऑन ना करे, आई रिक्वेस्ट सब कोई माइक ऑफ रखे। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या बताया, एक लेबर को अगर हम लेके आ रहे हैं तो उससे एक टेबल का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। बट और एक टेबल का जो टोटल कॉस्ट आ रहा है वो 200 रुपये आ रहा है, ठीक है। मतलब 200 रुपया कॉस्ट आने का क्या मतलब है कि 200 रुपये का टोटल इनपुट आपने इसमें डाला है तो आपका एक टेबल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। कंपनी को कॉस्ट लग रहा है 200 रुपया, कंपनी मार्केट में कितने में बेचेगी उससे मतलब नहीं है, वो 300 में बेचे, 400 में बेचे, 500 में बेचे, उससे मुझे मतलब नहीं है। कंपनी को एक लेबर का जब यूज करके और इन सब कैपिटल मशीनरी सबको यूज करके जब टेबल प्रोड्यूस हो रहा है तो एक टेबल प्रोड्यूस हो रहा है और उसका कॉस्ट क्या बैठ रहा है कंपनी को 200 रुपया। कंपनी क्या करती है, बट इंक्रीजिंग रिटर्न एक्सप्लेन करो। हाँ एक मिनट, कंपनी क्या करती है कि जब एक एडिशनल लेबर को लेके आती है, फर्स्ट लेबर के बाद सेकंड लेबर को लेके आती है, तो एक एडिशनल लेबर को लेके आती है तो देखती है कि 3 टेबल का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। तो अब 3 टेबल का प्रोडक्शन मतलब क्या होगा, एक तो आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट था पहले से वो तो रहेगा ही रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट जो कि 100 रुपये का, जिसमें आपका कैपिटल मशीनरी ये सब लगा। उसके बाद 2 लेबर, तो 2 लेबर 2 बार चार्ज लेगा, 100 100, तो ये हो गया 200 और प्लस 100 300। अब 300 रुपये में आपका कितना टेबल प्रोड्यूस हो गया, 3 टेबल प्रोडक्शन हो गया। तो 3 टेबल प्रोडक्शन हुआ 200 रुपये में, तो आपका एक टेबल का कॉस्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने 150 का स्लिप किया था, यहाँ पे 3 टेबल है ना, 3 टेबल का प्रोडक्शन हुआ 300 रुपये में, तो एक टेबल का कॉस्ट आपका क्या हो गया, 100 रुपये। तो आपने देखा कि कॉस्ट कैसे घट गया, 200 से 100 हो गया। ऐसे तो कॉस्ट घटना नहीं चाहिए था, क्या होना चाहिए था, एक लेबर अगर एक टेबल प्रोड्यूस करेगा तो दूसरा लेबर लाके आएंगे तो एक और टेबल प्रोड्यूस करेगा तो 2 टेबल का प्रोडक्शन होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे आप अपने लेबर को बढ़ाते हो और आपका अगर प्रोडक्शन फंक्शन एफिशिएंट है तो क्या होता है कि आपका जो कॉस्ट होता है वो घट रहा होता है। अब कॉस्ट कब घटेगा, किसी ने पूछा कि सर कॉस्ट वाला तो समझ आ गया बट इंक्रीजिंग रिटर्न समझ नहीं आया। कॉस्ट कब घटेगा, जब आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी तो कॉस्ट घटेगा। सेम अमाउंट ऑफ इनपुट को अगर आप यूज करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तभी तो कॉस्ट घटेगा। तो अब आपने ये देखा कि जब एक लेबर का यूज करके आप एक टेबल बना रहे हो, दूसरे लेबर का यूज करके आपका कितना टेबल प्रोड्यूस हो रहा है, 3 टेबल प्रोड्यूस हो रहा है। बट अगर आप रेशियो प्रोपोर्शन से देखोगे तो सेकंड लेबर में आपको सिर्फ 2 टेबल प्रोड्यूस होना चाहिए, लेकिन एक और एक्स्ट्रा टेबल प्रोड्यूस हो रहा है। तो यही तो है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। फिर जब आप तीसरे लेबर को लेके आ रहे हो तो आपका 6 टेबल प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे 2 टेबल का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे 3 टेबल का इंक्रीमेंट हुआ। तो यही तो है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, हर एक एडिशनल लेबर को लाने पे आपका जो रिटर्न है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट। अब सबका क्लियर हो गया, व्हेन यस कॉस्ट सर गेट्स मिनिमाइज अ फर्म प्रोड्यूस फर्म लाइक टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर। ऑब्वियस सी बात है, फर्म का सबसे पहला काम यही होता है, उसे प्रॉफिट चाहिए होते हैं। सबका क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न। कॉन्स्टेंट रिटर्न, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न में क्या होता है, बस एक लेबर अगर एक टेबल प्रोड्यूस कर रहा है तो सेकंड लेबर सेकंड टेबल प्रोड्यूस करेगा, थर्ड लेबर थर्ड टेबल प्रोड्यूस करेगा, फोर्थ लेबर फोर्थ टेबल प्रोड्यूस करेगा। तो मतलब जितना एडिशनल लेबर को आप बढ़ा रहे हो तो आपका रिटर्न है वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे क्या है, एक 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 ऐसे अगर देखोगे, अगर एक लेबर अगर 5 चेयर प्रोड्यूस कर रहा है, 5 चेयर प्रोड्यूस कर रहा है, तो सेकंड लेबर क्या करेगा, एक और लेबर को लाओगे तो 10 चेयर का प्रोडक्शन होगा, एक और लेबर को लाओगे तो आपका 15 चेयर का प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितना हो रहा है, 5 का मार्जिन प्रोडक्टिविटी कितना हो रहा है, 5 का। तो ये कांस्टेंट है ना,
तो इसमें ये कांस्टेंट है, इसीलिए बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। यहाँ पे आपने देखा था ये इंक्रीज कर रहा है, ये दो हुआ, ये तीन हुआ, तो ये इंक्रीज कर रहा है ना मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। और जहां पे ये डिक्रीज करेगा उसको क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग और लॉ ऑफ कांस्टेंट, ये दोनों आप लोगों का क्लियर हुआ? ये दोनों आप लोगों का क्लियर हुआ? अब देखिए, यस 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 यस, थैंक यू। जो थर्ड है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, इसको एक और नाम से भी जानते हैं। ये नाम क्या होता है? ये सब लॉ कहाँ अप्लाई होते हैं? ये सब फॉर्म कंपनी, जहां भी कंपनी से रिलेटेड बात हुई, जो भी फॉर्म से रिलेटेड बात होती है, जहां पे हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, तो जहां भी प्रोडक्शन का बात होता है वहां पे ये सारे लॉ अप्लाई होते हैं। और इस प्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन का बात कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग कॉस्ट फंक्शन का बात करेंगे, फिर वहां पे हम लोग कॉस्ट पे फोकस करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हाँ, इसको आप एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। लेकिन इसको आप, हाँ, लेकिन जनरली इसको लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट नहीं बोलते हैं। क्यों? अभी आपको मैं बताऊंगा क्यों नहीं बोलते हैं, बट आप बोल सकते हो, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है? तो आपने ये दो चीज अभी पढ़ा ना, तो पहले इस दोनों का आप नोट्स देख लो, फिर आपको मैं थर्ड वाला भी बताता हूँ। वेट, फिर किसका माइक ऑन रह गया है? माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का एक भी टॉपिक का एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा, इट्स माय गारंटी। प्लीज माइक ऑफ कर ले, इतने प्यार से आपको कौन पढ़ाएगा यार। देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ रिटर्न फॉर शॉर्ट टर्म, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट। इसका पहले आप डेफिनेशन देखें, यहाँ पे क्या लिखा है? इट स्टेट्स दैट व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर इज इम्प्लॉयड, जब ज्यादा से ज्यादा यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आप इम्प्लॉय करते हो, इम्प्लॉयड मतलब आपको मैंने बताया ना, शॉर्ट टर्म में आप किसकी बात करते हो? लेबर की बात करते हो। व्हाइल अदर फैक्टर्स रिमेन फिक्स्ड, क्यों क्यों यहाँ पे लिखा है अदर फैक्टर रिमेन फिक्स्ड? क्योंकि ये फिर शॉर्ट रन है, इसमें कुछ ही फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, बाद बाकी सारे फैक्टर्स इसमें कॉन्स्टेंट होते हैं। There is an increase of production at a higher rate. तो क्या बता रहा है कि production का जो increment होता है वो higher rate पे होता है। तो मैंने आपको बताया था production का increment higher rate पे, production का increment higher rate पे कैसे बताया था? कि एक labor को use करके अगर आप 5 chair बना रहे हो, second labor को use करके आप 11 chair बना रहे हो, third labor को use करके आप अगर 18 chair बना रहे हो, तो आप देख रहे हो ना कि जैसे जैसे आप एक additional unit labor का increase कर रहे हो, आपका जो return है वो 6 हो रहा है, 7 हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट। आप लोग बताओ इस डेफिनेशन में जो यहाँ पे मैंने लिखा है, अब आपको इस इतने बार इतने पोर्शन में आपको कहीं डाउट है इस डेफिनेशन में? बताओ एक बार, आप लोग सबको ही पढ़ो इस चीज को मन में पढ़ना, और बताओ इसमें किसी को डाउट है इस डेफिनेशन में, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट? हेलो सर, प्लीज चैट कॉलम में प्लीज। ठीक है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट, ये क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड, जो हम लोग सेकंड पढ़े थे, सेकंड क्या पढ़े थे? लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न में मैंने क्या बताया था कि एक लेवर को आप यूज कर रहे हो 5 चेयर बनाने के लिए, तो दूसरा लेवर आएगा 10 चेयर बनाएगा, तीसरा लेवर आएगा 15 चेयर बनाएगा, चौथा लेवर आएगा 20 चेयर बनाएगा, तो इसको इसमें कॉस्ट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न को लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। सर फिक्स्ड कॉस्ट एक्सप्लेन करना, सर फिक्स्ड कॉस्ट एक्सप्लेन करूं? अच्छा ठीक है, मैं फिक्स्ड कॉस्ट एक्सप्लेन कर दूंगा, वेट
बट ये बता दूं, इसके बाद मैं फिक्स्ड कॉस्ट एक्सप्लेन करता हूँ। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न क्या है, ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कॉस्ट। इट इज सेड टू ऑपरेट व्हेन विद इन द एडिशन ऑफ सक्सेसिव यूनिट ऑफ वन फैक्टर टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अदर फैक्टर देयर अराइजेज अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन टोटल आउटपुट। क्या लिख रहा है यहाँ पे, इट इज सेड टू ऑपरेट व्हेन विथ द एडिशन ऑफ सक्सेसिव यूनिट। सक्सेसिव यूनिट का मतलब कि एक एडिशनल यूनिट का जब आप एडिशन करते हो टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स तो फिक्स है ना, जैसे मशीनरी फिक्स्ड है, कैपिटल फिक्स्ड है, लैंड फिक्स है, ये सब सब फिक्स्ड है। तो जब इसमें आप एक एडिशनल अमाउंट का जब आप एडिशन करते हो तो क्या होता है, जो आपका आउटपुट होता है वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट में बढ़ता है। कैसे, जैसे एक लेबर को यूज किया 5 चेयर बना, दूसरे लेबर को यूज किया 10 चेयर बना, तीसरे लेबर को यूज किया 15 चेयर बना। तो जब आप एक एडिशनल अमाउंट ऑफ लेबर यहाँ पे इंक्रीज किया तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, 5 का। फिर एक एडिशनल अमाउंट ऑफ लेबर आपने यूज किया तो कितना इंक्रीमेंट हुआ, 5 का। फिर यहाँ पे एक एडिशनल अमाउंट ऑफ लेबर आप यूज करोगे, 20 चेयर बनेगा, कितना इंक्रीमेंट होगा, 5 का। तो ये यही चीज बता रहा है कि ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कॉस्ट, इट इज सेड टू ऑपरेट वेन विद इन द एडिशन ऑफ सक्सेसिव यूनिट ऑफ वन फैक्टर टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अदर फैक्टर्स देयर अराइजेज अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन टोटल आउटपुट। क्लियर हुआ ये वाला लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न में? अब किसी को डाउट बताओ, डेफिनेशन पढ़ के आप लोग बताओ। एनी अदर एग्जाम्पल एक्सक्लूडिंग लेबर, अभी तो मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म में जब भी प्रैक्टिकल वे में जब भी फॉर्म से रिलेटेड बात किया जाता है तो शॉर्ट टर्म में हमेशा लेबर ही चेंज होता है, लॉन्ग टर्म में सब कुछ चेंज होता है, बट शॉर्ट टर्म में हम लोग लेबर ही चेंज कर सकते हैं। क्या आप डेली लैंड को चेंज करोगे, डेली अपने रॉ मटेरियल को चेंज करोगे? नहीं। अच्छा, किसी ने पूछा सर इफ सेम लेबर अप्लाइड व्हाई रिटर्न कांस्टेंट एज सेम लेबर इन इंक्रीजिंग रिटर्न। वही तो बात हो रही है कि कभी कोई फॉर्म आप देखते हो, किसी फॉर्म में आप जब एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर को लेके आते हो, सपोज कर यहाँ पे 3 फॉर्म है, ठीक है, एक ए का फॉर्म है, एक बी का फॉर्म है और एक सी का फॉर्म है। वेट, किसी ने अच्छा डाउट पूछा है। हाँ, लेबर इज आवर वेरिएबल फैक्टर, यस, ठीक है। ए का फॉर्म है, बी का फॉर्म है, सी का फॉर्म है। इस ए के फॉर्म में क्या हो रहा है कि एक लेबर यहाँ भी 5 चेयर बना रहा है, बी के फॉर्म में क्या हो रहा है, एक लेबर यहाँ भी 5 चेयर बना रहा है, और सी के फॉर्म में क्या हो रहा है, एक लेबर यहाँ भी 5 चेयर बना रहा है। अब जो ए का फॉर्म है ना, ये काफी लेबर फ्रेंडली फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे लेबर को काम करने में मजा आ रहा है, यहाँ पे इफिशियंसी लेबर का इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए आप जब सेकेंड लेबर को आप ला लेके आ रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 11 चेयर का प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे कॉन्स्टेंट है तो इसलिए सेकेंड लेबर को जब आप लेके आ रहे हो तो यहाँ पे 10 चेयर का प्रोडक्शन हो रहा है। और ये जो सी का जो फॉर्म है ना, ये उतना लेबर फ्रेंडली नहीं है, तो इसलिए आप एक और एडिशनल लेबर लेके आ रहे हो, या लेबर जो आप लेके आ रहे हो ना उतना एफिशिएंट नहीं है, तो ये 9 चेयर ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसीलिए ये फॉर्म टू फॉर्म डिपेंड करता है। तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स कि जब आप एक एडिशनल लेबर को लेके आ रहे हो तो इसके बीच में जो रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है वो आपका एफिशिएंट होना चाहिए। जब एफिशिएंट होगा तो आपका सेम अमाउंट ऑफ इनपुट से आपका जो आउटपुट होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये फॉर्म टू फॉर्म पे भी डिपेंड करता है कि आप लेबर को किस तरीके से काम करवा रहे हो, आप उनसे अच्छे से बात कर रहे हो, आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, लीडरशिप क्वालिटी आपके फॉर्म में है, ये सब चीज वहां पे मैटर करता है। अदर फैक्टर्स अफेक्ट प्रोडक्टिविटी, हाँ अदर फैक्टर्स प्रोडक्टिविटी अफेक्ट करता है, लेकिन इन लॉन्ग रन, इन शॉर्ट रन नहीं करता है। कैपिटल वेरिएबल फैक्टर लॉन्ग रन में होता है, शॉर्ट रन में नहीं है, ठीक है। आप हर दिन अपने कंपनी का कैपिटल कैसे चेंज कर सकते हो, हर दिन अपने कंपनी का मशीनरी कैसे चेंज कर सकते हो, बट आप डेली बेसिस पे आप लेबर चेंज कर सकते हो, आप वीकली बेसिस पे लेबर चेंज कर सकते हो। तभी तो हम यहाँ पे सिर्फ लेबर का बात कर रहे हैं शॉर्ट रन में। बताइए ये दोनों पॉइंट आपका क्लियर हुआ, इंक्रीजिंग रिटर्न और डिमिनिशिंग कॉस्ट और कांस्टेंट रिटर्न कांस्टेंट कॉस्ट, ये दोनों क्लियर हुआ? सर जो हम लेबर को वेजेस देते हैं ना वो कैपिटल में नहीं आता है, लेबर का वेजेज? देखिए कैपिटल में जनरली, हाँ लेबर का जो वेजेज होता है ना वो अलग है, ठीक है। कैपिटल में जनरली क्या आता है,
आपका जो मशीनरी से रिलेटेड पार्ट होता है ना, वो सब जनरली आपके कैपिटल में आता है। ठीक है, आपने कहीं से इस लैंड को सेटअप करने के लिए आपने लोन ले रखा है, आपने बड़े बड़े मशीनरी लगा रखे हैं, तो ये सब पोर्शन जनरली आपका कैपिटल में काउंट किया जाता है। तो इसीलिए ये सब जो आपका होता है ना, ये सब फिक्स्ड कॉस्ट होता है और ये वेरिएबल कॉस्ट होता है। अच्छा हाँ, एक किसी ने मेरे से ये भी पूछा है कि फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट सर आप क्या बता रहे हो? देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब किसी ने ये भी पूछा है कि सर ये इसका क्या मतलब है। तो सपोज करिए कि यहाँ पे जब आपका 5 चेयर का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे उसी मशीनरी से 5 चेयर का प्रोडक्शन हो रहा है, उसी लैंड पे 5 चेयर का प्रोडक्शन हो रहा है, उसी कैपिटल से आपका 5 चेयर का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट में क्या है कि एक लेबर यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं। ओके, हाँ, फिर जब आप यहाँ पे एक और लेबर का एडिशन कर रहे हैं, तो क्या आप ये मुझे बताओ कि लैंड आपने इंक्रीज किया क्या? क्या आपने मशीनरी इंक्रीज किया क्या? आपने कैपिटल इंक्रीज किया क्या? नहीं, ये सब तो फिर भी वही रहेगा। जो आप इलेक्ट्रिसिटी का रेंट दे रहे हो, क्या आप एक एक्स्ट्रा लेबर लेके आओगे तो इलेक्ट्रिसिटी का रेंट आप बढ़ा दोगे क्या? आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो सब तो आपका लगभग कॉन्स्टेंट ही रहेगा ना। तो यही आपका होता है फिक्स्ड कॉस्ट सेकंड के लिए भी। अगर ऐसा तो नहीं है ना कि एक लेबर को आप लेके आ रहे हो, ये 5 चेयर प्रोड्यूस कर रहा है, तो मशीनरी सिर्फ 5 ही चेयर को बनाएगी, 6ठे चेयर को जैसे बनाने जाएगी मशीनरी बोलेगी कि नहीं आप नया मशीन लेके आओ तभी मैं बनाऊंगा। ऐसा तो नहीं होता है, बड़ा बड़ा मशीन होता है। लैंड ऐसा तो नहीं है ना कि उस लैंड पे सिर्फ 5 ही चेयर बनेगा, उस पे 10 चेयर भी बनेगा, उस पे 15 चेयर भी बनेगा। हाँ, सबका एक कैपेसिटी होता है। अब आप कोई छोटा लैंड खरीदे हो, वहां पे आप कहोगे कि हम 1 लाख चेयर बनाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन 1, 10, 20 इस तरीके से आप इंक्रीज कर सकते हो ना। तो इसीलिए जब आप सेकेंड लेवर को लेके आते हो और यहाँ पे 11 चेयर बनता है, तो यहाँ पे आपका ये जो कॉस्ट है फिर भी वही फिक्स्ड कॉस्ट है। इसमें भी अगर आपको 100 रुपीज लगा है, तो यहाँ भी लगभग आपको 100 रुपीज ही लगेगा। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, तो इस लेवर का कॉस्ट आपका चेंज हो रहा है। सर, रॉ मटेरियल इज वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट एग्जांपल रेंट ऑफ लैंड। हाँ, आप रॉ मटेरियल्स एक टर्म्स में वो वेरिएबल कॉस्ट भी होता है और एक टर्म्स में आपको फिक्स्ड कॉस्ट भी होता है। अब क्या होता है कि आप जब एक बार में बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को लेके आते हो, तो बड़े ट्रक में आप लेके आते हो, तो ट्रक में आप इसमें एक साथ में लगभग 1000 चेयर बनाने का आप सामान लेके आते हो। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि 5 चेयर प्रोड्यूस कर रहे हो। अब इस जो ट्रक का जो रेंट होगा, इस ट्रक का रेंट अगर ट्रक वाले ने 1000 रुपीज लिया है, तो ये तो इसका फिक्स्ड हो गया ना। तो इसीलिए इतने डिटेल्स में आपको कंपनी में, इतने डिटेल्स में कंपनी भी नहीं डिक्लेयर करती है। कंपनी भी इसी चीज पे फोकस करती है कि उसका फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, उसका वेरिएबल कॉस्ट क्या है। क्योंकि एक बार जब ये लेके आ गई, तो यहां तक अगर 1000 चेयर तक का अगर इसका कैपेसिटी है, तो इसको 1000 चेयर तक में ये इसको फिक्स्ड कॉस्ट में डाल देती है, और उसके बाद लेबर के केस में ये वेरिएबल करते रहती है। एक लेबर को इंक्रीज करी, 2 लेबर को इंक्रीज करी, 4 लेबर को इंक्रीज करी, एक टाइम तक वो इंक्रीज होगा, उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो उसी डिक्रीमेंट को अभी हम लोग पढ़ेंगे, जिसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बोलते हैं। अब बताइए, यहां तक में किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट यहां तक? जी सर। अच्छा, डाउट है। हाँ जी, यहाँ पर जैसे आपने सर बोला था कि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के बारे में सर। हाँ, लॉन्ग रन आपने बोला था या शॉर्ट रन सर? हाँ हाँ, ये शॉर्ट रन कैसे कह सकते हो, लॉन्ग रन कैसे, क्योंकि तो सर, क्योंकि तो बिजनेस जो है वो लॉन्ग रन के लिए होती है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर। हाँ, क्यों नहीं कह सकते हैं? तक हम इन्वेस्ट कर, एक मिनट, वेट 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 वेट, हम जब इस फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस लॉन्ग रन तक होती, इससे हमें क्या मतलब है? जो फॉर्म जो सेटअप होता है, उसके पास एक अमाउंट ऑफ इनपुट होता है, और उसको प्रोडक्शन फंक्शन में उसको डालते हैं और आउटपुट जनरेट होता है। तो क्या होता है कि आप शॉर्ट टर्म में आपके पास जो इनपुट होता है, वो सारे इनपुट को आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप कुछ इनपुट को चेंज कर सकते हो, बहुत सारे इनपुट आपका फिक्स रहता है। जो
चेंज होता है वो वेरिएबल में जनरली लेबर होता है, तो आप लेबर का चेंज करके आप अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। लेकिन जब लॉन्ग रन की बात करते हैं तो इसमें आप हर तरीके के इनपुट को चेंज कर सकते हो, अपना लोकेशन भी चेंज कर सकते हो, अपना लैंड भी चेंज कर सकते हो, अपना कैपिटल भी चेंज कर सकते हो, मशीनरी को भी बदल सकते हो। लेकिन क्या पर डे आप अपना लोकेशन चेंज कर सकते हो, पर डे अपना लैंड चेंज कर सकते हो, पर डे अपना मशीनरी चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। हाँ, लेबर आप पर डे पर वीक आप चेंज कर सकते हो। तो इसीलिए शॉर्ट रन में कंपनी जो होती है वो दोनों चीज पर फोकस करती है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों चीज पे। जब तक उसको शॉर्ट रन से फायदा हो रहा होता है वो शॉर्ट रन से फायदा करती है, जब देखती है कि अब शॉर्ट रन मेरा फिक्स हो गया है, अब मुझे यहाँ से इससे ज्यादा रिटर्न नहीं मिलने वाला है, तो फिर वो लॉन्ग रन पे शिफ्ट कर जाती है। ओके, शॉर्ट में हम ये कहेंगे सर, जब फिक्स्ड फैक्टर चेंज हम करेंगे तब जाके हम ये बोलेंगे ये तो लॉन्ग रन की बात है। हाँ, जब आपका जो फिक्स्ड है ना, ये अब वहां पे कुछ भी फिक्स नहीं होगा, वहां पे सब वेरिएबल हो जाएगा, तब ये हो जाएगा लॉन्ग रन की बात। लेकिन जब तक आपका कुछ फिक्स्ड है तब तक ये सिर्फ होगा शॉर्ट रन की बात। बताइए, इस दो लॉ में आपको कहीं दिक्कत हुआ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ? अब आई थिंक ये सारे स्टूडेंट्स का क्लियर होगा। अगर कोई भी अभी भी किसी को डाउट है तो आप मुझे बता दोगे? सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ सर, मैंने जो आपको क्वेश्चन डाला था, अगर हम लेबर जो है इंक्रीजिंग, जो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न जो है उसमें हम लेबर चाहे एक या दो हम डाल लेते हैं, उसका जो रिटर्न जो है वो बढ़ जाता है। सेम लेबर हम डालते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न में, लेकिन उनका रिटर्न फिर ये कांस्टेंट क्यों आता है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड है? वही तो मैंने बताया रीजन, कि आपका फॉर्म टू फॉर्म पे डिपेंड करता है ना। सपोज आपके फॉर्म टू फॉर्म पे डिपेंड करता है ना, अब लेबर टू लेबर पे भी डिपेंड कर रहा है आपका लेबर का एफिशिएंसी, तभी तो हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन, और तभी तो हम देखते हैं कि एक बार आपने देखा कि वहां पर इंक्रीज हुआ, एक बार देखा कि वहां पर कांस्टेंट हो गया, और एक बार देखा कि वहां पर डिक्रीज हो गया। तो फिर कंपनी के जो लीडरशिप क्वालिटी होता है, जो सब कुछ होता है, वहां पे वो फोकस करते हैं कि नहीं, हमें प्रोडक्शन फंक्शन इसी तरीके का चाहिए। तभी तो हम ये प्रोडक्शन फंक्शन बात कर रहे हैं कि तीन तरीके से काम कर सकता है, या तो इंक्रीज करेगा, या कांस्टेंट रहेगा, या डिक्रीज करेगा। हेलो सर। हेलो सर, क्या मैं मुदसिर भाई के सवाल को जवाब दे सकता हूँ? अच्छा ठीक है, आप बताओ मुदसिर। हेलो। हाँ, जो कांस्टेंट रिटर्न्स होता है ना, ये इसलिए कांस्टेंट होता है कि पहले मतलब इसमें जो हम इनपुट देते हैं उतना ही आउटपुट निकलता है। अभी कांस्टेंट क्यों है, अभी इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों नहीं है? इसका काज ये होता है कि अब जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि अब कॉस्ट बढ़ने लगते हैं, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो कंटिन्यू नहीं रहेंगे, मतलब कॉस्ट तो हर रोज कम नहीं होंगे, किसी टाइम पीरियड तक कॉस्ट कम होते हैं, उसके बाद कॉस्ट कम नहीं होते। जब हम थर्ड वाला पढ़ेंगे ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, तब आपको दिखेगा कि एक टाइम तक क्या होता है वो इंक्रीज करता है, फिर क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है, और फिर जब आप एडिशनल अमाउंट ऑफ लेबर जब आप डालोगे ना, तो फिर क्या होगा, वो डिक्रीज होने लगेगा। क्यों? अगर सपोज करो आपने एक लेबर डाला तो क्या हुआ, आपका जो इंक्रीमेंट था वो 5 चेयर का था, सेकंड लेबर डालने पे आपका जो इंक्रीमेंट हुआ वो 11 चेयर का हुआ, थर्ड लेबर डालने पे आपका जो इंक्रीमेंट हुआ वो 18 चेयर का हुआ, फोर्थ लेबर जब आपने डाला ना तो आपका जो इंक्रीमेंट हुआ अब वो क्या हुआ, 25 चेयर का हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 6, 7 और ये फिर यहाँ पे भी 7। अब जब आप फिफ्थ लेबर डाल रहे हो तो फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट क्या हुआ, 32 का, फिर भी 7। तो यहाँ पे देख रहा है ना, ये कांस्टेंट हुआ। जब आप 6th लेवल डालोगे ना, तो इसका जो इंक्रीमेंट होगा ना वो 32 से 36 हो जाएगा, मींस ये कम हो गया। क्यों कम होगा? क्योंकि अब क्या होगा, एक मिनट वेट मुझे समझाने दो। देखो, जब आपने यहाँ तक डाला, चाहे यहाँ तक डाला ना, तो जब आपका सपोज करो यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, यहीं तक इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इसके बाद क्या हुआ, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये डिक्रीज हो रहा है। तो क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब यहाँ पे इनएफिशिएंसी क्रीप होने लगते हैं। इनएफिशिएंसी का क्या मतलब है, कि जब आप और लेबर को इंक्रीज करोगे ना, तो वो लोग आपस में क्या करेंगे, ज़्यादा बातों में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, या कुछ वहाँ पे लेजीनेस आ जाएगा, कुछ वहाँ पे इफेक्टिव वर्क नहीं होगा। अगर एक लेबर परेशान है तो उससे क्या होगा, तरह तरह के लेबर भी परेशान होते हैं, तो वहाँ पे इनएफिशिएंसी आने लगता है और उसके बाद वो डिक्रीज होने लगता है। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न में आपको एक चीज ध्यान में रखना है,
कि एक पॉइंट तक वो इंक्रीज होता है, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वो डिक्रीज होने लगता है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। और इसीलिए इसको उस केस में ना लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट नहीं बोलते हैं, क्योंकि एक टाइम तक तो आपका कॉस्ट जो हो रहा है वो डिक्रीज ही हो रहा है ना। डिक्रीजिंग रिटर्न जो होता है ना, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, ये कब होता है, ये जब कंपनी आपका कुछ दिन चल जाती है, जब आप और सक्सेसिव लेवर्स को जब आप ऐड करते हो, आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू करता है, लेकिन कुछ समय तक वो इंक्रीज ही होता है। बताओ सर, मेरा एक क्वेश्चन सर। हाँ हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सर, विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन, मतलब पहले जो एफिशिएंसी होती है वो ज्यादा होती है। हाँ, ठीक है। तो हमारे जो कॉस्ट है वो कम हो जाते हैं। हाँ, ठीक है। और जब ये मतलब हम प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, हम लेबर बढ़ाते हैं, तो हाँ, हमारा कॉस्ट भी तो लास्ट में बढ़ेगा ना। हाँ, लास्ट में बढ़ेगा ना। हाँ, लास्ट में बढ़ेगा ना। यस, वही तो मैं बोल रहा हूँ, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट भी तो बोलते हैं, जब आपका प्रोडक्शन क्या होता है, घटने लगता है, तो आपका कॉस्ट बढ़ने लगता है। मतलब इसमें एक ही फैक्टर है कि मतलब एफिशिएंसी जो है वो कम होती है या और भी अदर फैक्टर्स? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब जो कंपनी में, दूसरी कंपनी में जहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न आते हैं, वहाँ पे जो स्टाफ है वो कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं, मतलब उतना हार्ड वर्किंग नहीं है। पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है, किस तरीके का पॉलिसी है, आप अपने लेबर को कितना मोटिवेट करके रख पाते हो, आपका जो मशीन लाइन है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, हर चीज पे भी डिपेंड करता है। सपोज करिए कि आपने जो मशीन लगा रखा है वो एक मिनट में वो कुछ, अगर सपोज करिए कि कुछ यहाँ पे वुड है, कुछ वुड है, उस एक मिनट पे अगर इसका मैक्सिमम एफिशिएंसी है 10 वुड को काटने का, अगर 5 लेबर तक 10 वुड काट रहा है, बट आप 6 लेबर को लेके आ रहे हो, तो भी यहाँ पे 10 वुड ही एक मिनट में कट पा रहा है, तो इस मशीन का भी एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा। फिर सर हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो वेरिएबल फैक्टर्स है उन पे डिपेंड करता है। हाँ, वेरिएबल फैक्टर्स पे जनरली ये डिपेंड करता है। सर, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो लेबर्स हैं उनकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करते हैं? मैक्सिमम तो यही होता है, लेबर की एफिशिएंसी पे ही डिपेंड करता है। उसके बाद अगर आप अलग से देखना चाहते हैं तो कंपनी पॉलिसी हो जाता है, फिर बहुत सारे फैक्टर्स इसमें गवर्न करने लगते हैं, बट जो मेन चीज है वो क्या होता है, लेबर की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। स्पेशलाइजेशन नहीं आता है इसमें? मतलब नहीं, इस पे स्पेशलाइजेशन नहीं आता है। हेलो, हेलो, देखिए आपकी क्लास दूसरी वाली मिस हो जाएगी, आप कल पूछ लेना, ठीक है सर? ठीक है जी सर, बोलिए। मैं रहूंगा ना। हेलो डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी सर, कल की क्लास आप, आज कल आप क्लास में पूछ लेना, और एक जो कल का डाउट रह गया है वो मैं कल आते आते क्लास में पहले एक्सप्लेन करूंगा, जो कल बच्चों का डाउट रह गया था वो वाले क्वेश्चन में, हैमबर्गर वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया था, पूछा था, ठीक है? तो अब मैं कल पढ़ाऊंगा। हेलो सर। हाँ हेलो सर, एक रिक्वेस्ट, आप ये हमारा क्लास होता है रोज 9:30, तो ये 5-10 मिनट फ्लक्चुएट हो जाता है, अगर इससे बेहतर था 8-8 बजे क्लास करे, तो अगर 5-10 मिनट इधर उधर हो जाए तो चलता है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का ना रिक्वेस्ट आया था 8:30 में करने के लिए, तो ये कोचिंग वाले सर ने ही फिर मेरे से टाइम और पूछा था, तो फिर मैंने अपने शेड्यूल को शिफ्ट किया 8:30 बजे। सर आई थिंक 8 बजे ही रहना चाहिए, क्योंकि हमें फिर पूरा टाइम नहीं मिलता है। सर टाइम ही नहीं मिल रहा, यहाँ एक मीटिंग खत्म होती है, दूसरी मीटिंग ऊपर से एक और क्लास, हमारे डाउट्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते। देखिए डाउट के लिए मैं बैठा हूँ, कल फिर मैं आपको 8:20 तक मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप आओ मेरे से जितना डाउट पूछना है आप 10 मिनट। सर डाउट का मतलब होता है, लेकिन हमें कंसेक्यूटिव क्लासेस होती है ना फिर बाद में। हां मैं समझ रहा हूं, थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी। सर अगर आपके पास टाइम है तो हम एडजस्ट कर सकते हैं 8 बजे, अगर इफ यू आर फ्री। देखिए फिर मुझे अपने सर, हमें अभी कहां क्लास है, हमें 10 बजे क्लास है। आपकी 10 बजे क्लास है? सर एक काम, सर 10 बजे क्लास है, जीएस की क्लास 10 बजे है, तो फिर
मैसेज मेरे पास आ रहा है कि सर वी हैव अनदर क्लास, वी हैव अनदर क्लास, बोल सकते हैं सर 10 बजे क्लास है, जीएसटी क्लास 10 बजे का, इनको करो ना म्यूट, ये रिकॉर्डिंग खराब हो जाता है। हां 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 म्यूट देखिए सर, ये खराब होगी फिर जब हम दूसरे बार इसको देखिए फिर प्रॉब्लम होगी सर। सर ज्यादा डिस्कशन मत बनाइए, इनको म्यूट रखा करो ना, इनको सर क्लास बोर्ड डिस्कशन बन रहा है।